हड़कंप मचा दिया। सऊदी अरब की मीडिया में बताया गया है कि सिनवार ने फोन करके इसराइल को एक मैसेज भेजा है। मैसेज यह है कि अगर इसराइल सीज फायर चाहता है तो उसे गाजा पर बमबारी रोकनी होगी। लेकिन इसराइल की वॉर कैबिनेट में कुछ ऐसा हुआ जिसने नेतन्याहू की लीडरशिप को एक्सपोज कर दिया। देखिए रिपोर्ट। गाजा में जैसे जैसे हो रहा है ब्लास्ट, टेल अवीव में लगने लगा है शॉक। हमास से हिजबुल्ला और हूथी से ईरान तक इसराइल को लग रहे हैं बड़े झटके। क्योंकि ईरान के हमले से पहले अब आपस में लड़ने लगा है इसराइल। इसराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और रक्षा मंत्री योव गैलेंट में हो गई है बिग फाइट। इसराइल का मीडिया बता रहा है कि गाजा के युद्ध पर पट गया इसराइल का वॉर कैबिनेट। टाइम्स ऑफ इसराइल ने छाप दिया। जेरूशलम पोस्ट ने भी बता दिया कि नेतन्याहू और गैलेंट आपस में भिड़ गए। हॉरिट्स में भी खबर छपी है और ये बात अमेरिका की मीडिया तक पहुंच चुकी है। विदेश और रक्षा मामलों की कमेटी की मीटिंग हुई, इसमें डिफेंस मिनिस्टर योव गैलेंट ने कहा बेसिर पैर का युद्ध लड़ रहा है इसराइल। इसके जवाब में नेतन्याहू ने रक्षा मंत्री योव गैलेंट को कह दिया एंटी इसराइल। अपनी लीडरशिप के बीच इस झगड़े को देखकर पूरा इसराइल सदमे में है, क्योंकि अब भी 120 बंधक हमास के कब्जे में हैं, जबकि नेतन्याहू लगातार कहते आ रहे हैं कि वो एब्सोल्यूट विक्ट्री यानी पूर्ण विजय का वादा करते हैं। गाजा की गलियों से लेकर तेल अवीव में सत्ता के गलियारों तक इस वक्त तूफान मचा हुआ है, क्योंकि इसराइल को बार बार बैड न्यूज मिल रही है। इजरायली सेना इस वक्त 2400 घंटे युद्ध की हालत में है, क्योंकि ईरान से जवाबी हमला कब और कैसे होगा ये ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई के अलावा कोई नहीं जानता। और इसी उलझन ने नेतन्याहू और उनकी पूरी वॉर कैबिनेट को बहुत बड़ी कश्मकश में डाल दिया है। इसराइल और खासकर बेन्यामिन नेतन्याहू के लिए दूसरी बुरी खबर इसराइल के ही एक पूर्व जनरल की तरफ से आई है। अरब मीडिया की रिपोर्ट में इसराइल के पूर्व जनरल इत्ज़ाक ब्रिक ने बहुत बड़ा धमाका कर दिया है। जनरल इत्ज़ाक ब्रिक के मुताबिक गाजा में इसराइल के ज्यादातर सैनिक हमास की नहीं बल्कि अपने साथियों की गोली से मर रहे हैं। जनरल इत्ज़ाक ब्रिक के मुताबिक इसराइली सेना में अनुशासन खत्म हो चुका है। पूरी फौज बहुत बड़े मानसिक दबाव से गुजर रही है। जनरल इत्ज़ाक ब्रिक के मुताबिक जीत के जो भी दावे किए जा रहे हैं वो सब फर्जी हैं और गाजा से असली खबरों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। इसराइल को और ज्यादा परेशान करने वाली तस्वीरें रूस से आई हैं। पुतिन ने फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास से मुलाकात की है। ये मीटिंग मॉस्को से 50 किलोमीटर दूर नोवो ओगारियोवो में हुई है। यहीं पर पुतिन का महल है जिसे रूस की बहुत ही सीक्रेट लोकेशन माना जाता है। पुतिन ने फिलिस्तीन के लिए जो मैसेज दिया है वो इसराइल को परेशान करने वाला है। पोजीशन здесь является неизменной, она сформулирована давно и не носит какого-то конъюнктурного характера. Мы полагаем, что для того, чтобы обеспечить длительный, надежный, стабильный мир в регионе, нужно выполнить все решения Организации Объединенных Наций и прежде всего создать полноценное палестинское государство. Путин ने कह दिया है कि फिलिस्तीन को अलग देश का दर्जा मिलना चाहिए। पुतिन दुनिया के उन नेताओं में हैं जिन्होंने सबसे पहले इस्माइल हानिया की हत्या का विरोध किया था। जाहिर है ये बात नेतन्याहू को पसंद नहीं आई और अब फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के साथ पुतिन की मीटिंग ने इसराइल से लेकर अमेरिका तक को बहुत बड़ी चोट पहुंचाई है, क्योंकि महमूद अब्बास ने पुतिन से इसराइल से ज्यादा